लखनऊ के अकबरपुर में बुलडोजर एक्शन की ये दूसरी पारी है। आज एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा और खूब गरजा। योगी सरकार का ये एक्शन उत्तर प्रदेश में नदियों और पुराने तालाबों को संरक्षण के लिए है। ये कार्रवाई लखनऊ के कुकरेल नदी के पुनरुद्धार के लिए की जा रही है, जहां भूमाफियाओं ने अवैध अधिक्रमण कर तकरीबन 2000 मकान बसा दिए थे। इन इलाकों में करीब 1800 परिवारों ने जबरन कब्जा कर अपना आशियाना बसा लिया था, लेकिन बीते 7 दिनों में बड़ी बड़ी मशीनों ने यहां की अवैध इमारतों को जमींदोज कर दिया। वजह सिर्फ और सिर्फ एक, कुकरेल नदी पर किया गया अवैध निर्माण। आज सुबह होते ही पुलिस, प्रशासन, नगर निगम और एलडीए के अधिकारी आदेश का पालन करते हुए अपने काम में जुट गए। एक एक कर अवैध मकानों को गिराने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं 12 पोकलैंड मशीनें और जेसीबी मशीनें लगातार पिछले कई दिनों से अकबर नगर की सफाई में लगी हुई हैं। आप इस मशीन को देखिए, ये पूरा फेस वन का इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग 800 आवासीय घर हैं जिनको अब पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। कुकरेल जो नदी है उसका किनारा अब धीरे धीरे, अगर हम कहें तो पिछले 50 से 60 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे, और अब इतने दशकों के बाद कुकरेल नदी का जो किनारा है वो धीरे धीरे अब दिखना शुरू हो गया है। सरकार की इस कार्रवाई को लेकर विरोध की कोशिश हुई, लेकिन अवैध निर्माण के खिलाफ बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकी। कुकरेल नदी को अधिक्रमण के पंजे से छुड़ाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। लखनऊ जैसी तस्वीर यूपी के कई और जिलों में आ सकती है। हाल ही में यूपी सीएम ऑफिस के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, जिसमें काशी, सहारनपुर और मुरादाबाद में भी नदियों पर किए गए अतिक्रमण की पहचान का आदेश जारी किया गया है। अकबर नगर में अब धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाएगा, जिसके लिए अलग से प्लानिंग की गई है। हालांकि एक तरफ अवैध तरीके से बने मकानों को तोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ बेघरों को मकान मुहैया कराने की भी प्रक्रिया तेज चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अकबर नगर के जिस इलाके में कार्रवाई हो रही है वो अलग अलग फेज में बटा हुआ है। फेज टू को पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद अब फेज वन को जमींदोज करने का काम तेजी से जारी है। फेज वन में चल रहे अभियान के दौरान पिछले 24 घंटे में 257 मकानों को गिरा दिया गया। काम को तय समय में पूरा करने के लिए बुलडोजर की संख्या 27 कर दी गई। 1900 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बसंत कुंज में मकान आवंटित कर दिए गए, जिसमें से 1000 से ज्यादा आवंटियों को कब्जा भी दे दिया जा चुका है, और 42 वाहनों से आवंटियों का सामान शिफ्ट कराया जा रहा है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। Z News.